मैं हूं मनु, जीप लाइन एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पहली बार लखनऊ में हेलीकॉप्टर जायराइड सेवाओं का प्रारंभ किया गया, जिसमें हर व्यक्ति 3500 रुपए खर्च कर हवाई सफर का सपना पूरा कर सकता है। और आज से इस सेवा का शुभारंभ करने के लिए आवास विकास मंत्री सुरेश पासी ने किया है। हवाई सफर करने के लिए ज्यादा जानकारी देते हुए इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया कि विजय कुमार, मैं डायरेक्टर जिप लाइन एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, एंड हम यहां पर आज पहली हमारी इनॉग्रेशन है हेलीकॉप्टर जॉयराइड की, जो पब्लिक के लिए खुली हुई है। कोई भी आदमी अब जो है हेलीकॉप्टर का आनंद और लुत्फ ले सकता है। ये बड़ी रोमांचक राइड होती है जो यूपी में हम लखनऊ में पहली बार कर रहे हैं, और टूरिज्म डिपार्टमेंट को और लखनऊ के पर्यटन को हम बढ़ावा देने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि हम एविएशन से हैं, हेलीकॉप्टर एक्सपर्ट्स एंड सारे हमारे साथ लोग हैं। तो हम इस चीज़ को चाह रहे हैं कि जितना वाइडर से वाइडर पब्लिसिटी हो। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफ़र करना चाहिए, तो उसकी एक पहल है एक तरह से कि हम यहाँ पर सबको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने कभी राइड नहीं लिया। जी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं जिप लाइन की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट, आप नेट बैंकिंग पेमेंट कर सकते हैं, आप फिजिकल टिकट ले सकते हैं, आप ऑन द स्पॉट आके टिकट ले सकते हैं। और सफर कितनी देर का है इनका? 3500 रुपया पर पैसेंजर जो है, हमने 10 मिनट्स की राइड है और एक एक्साइटमेंट राइड होगी जो थोड़ा सा रोमांचित करेगी आपको, जो आपने कभी फील नहीं किया होगा वैसी राइड महसूस होगी। माननीय अभी हमारा एक पहला इनॉग्रेशन फ्लाइट का गया है और अभी आप देखेंगे वो आ ही रहा होगा 10 मिनट्स, शायद एक अच्छी राइड है इसकी हेलीकॉप्टर्स की। तो मेरे ख्याल से पूरे सबको एक बार तो ये एक्सपीरियंस करना चाहिए ओवरऑल। और ये हेलीकॉप्टर राइड बहुत ही रोमांचकारी होती है। कोई भी उड़ान के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन टिकट बुक कराकर सेवा ले सकता है। ये थी लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।